यकीन प्यार पे फिर रोया दिल नादान रेतों के घर बना। कहते हैं जो संगीत से प्रेम करता है वो सपनों का आनंद ले सकता है। संगीत आपके जीवन का आवाज है, संगीत के बिना सभी का जीवन खाली है। और आज हम आपको उन्हीं संगीत के लहरियों में सराबोर करेंगे। नमस्कार, एबी न्यूज की खास पेशकश दुनिया की फनकार देख रहे हैं आप, जो रश्मि मिश्रा डायरेक्टर ऑफ फिल्म स्पायरिंग इंडियन वुमेन के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें हम आपको दुनिया के अलग अलग देशों में उन इंडियंस की प्रतिभा से रूबरू करवाएंगे जो आज खुद सुर्खियां बटोर रही है। तो शुरू करते हैं दुनिया की फनकार। मैं हूं आपकी होस्ट सुमन राज और मेरे साथ मेरी को होस्ट होंगी रश्मि मिश्रा लंदन से। तो शुरू करते हैं और आज हमारे साथ सबसे पहले ऋषु मल्होत्रा जुड़ेंगे, तो उनसे बातें करेंगे, पहले उनका वीडियो देखते हैं। IIW की डायरेक्टर रश्मि मिश्रा हमारे साथ जुड़ी है और साथ ही ऋषु मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो आइए उनसे बातें करते हैं। ऋषु जी वेलकम, हाउ आर यू? मैं बेल्जियम में रहती हूँ, और मैं यहाँ पे अपने बच्चों की देखभाल करती हूँ और थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ सिंगिंग का, जैसे आज मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो बाकी वैसे मुझे लगता है घर की घर परिवार को संभालना सबसे मुश्किल काम है, मैं सबसे मुश्किल काम कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, सो आप बेल्जियम में रहती है और आपका वीडियो देखा मैंने, काफी अच्छा था। सो व्हाट विल यू सिंग टुडे, आज आप अपने हमारे व्यूअर्स को क्या सुनाएंगी? मैं एक बहुत ही पुरानी मूवी है ब्लैक एंड व्हाइट इरा में मैं लेके जाऊंगी सबको, और मुझे लगता है कि सब लोगों को पसंद आएगा। मूवी है मधुमति, जिसका ये बहुत ही सुंदर सॉन्ग है, लता मंगेशकर जी ने ये गाया है, तो उसका नाम है आजा रे परदेसी।
सॉन्ग का, तो मैं कोशिश करूंगी कि सबको अच्छा लगे और मैं थोड़ा ठीक गुनगुना सकूं उसको. ठीक है, तो मैं शुरू करूं इसको? अच्छा नो वेट वेट, थोड़ी देर में आप सुनाइएगा, पर पहले हम रश्मि जी से बातें करते हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ जुड़ी है. रश्मि जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे अपरेशो जी के बारे में? हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि ऋषु जी हमारे साथ जुड़ी. बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हैं, इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल लेवल पे बहुत कॉम्पिटिशन्स जीते हैं और ये इस वक्त ब्रसल्स यूरोप में रहती हैं और इनकी मीठी आवाज में जो जादू है वो फिर से सुनने को हम लोग बेकरार हैं. ओके, तो हम लोग भी बेकरार हैं सुनने के लिए. ऋषु जी, अब आप सुना सकती हैं अपना गाना. आ जा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंथ निहार. आ जा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंथ निहार. आ जा रे गई पंथ निहार. आ जा रे परदेसी. तुम संग जन्म जन्म के गई पंथ निहार. आ जा रे परदेसी. भेदी
आजा रे, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंथ निहार, आजा रे परदेसी। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत गाया आपने रिशु जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना खूबसूरत गाना सुनाने के लिए, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ ज्ञान शर्मा जुड़ेंगे यूके से, तो पहले उनका वीडियो देखते हैं, उसके बाद उनसे बातें करेंगे। करके यकीन प्यार पे फिर रोया दिल नादान, करके यकीन प्यार पे फिर रोया दिल नादान। रेतों के घर बनाता है क्यों मेरा दिल नादान, रेतों के घर बनाता है क्यों मेरा दिल नादान। करके यकीन प्यार पे फिर रोया दिल नादान, कासिद जो गुजरा घर से हुई तेज धड़कने, सिद्ध जो गुजरा घर से हुई तेज धड़कने, सेहरा में फूल ढूंढता फिर मेरा दिल नादान, सेहरा में फूल ढूंढता फिर मेरा दिल नादान। रेतों के घर बनाता है क्यों मेरा दिल नादान, करके यकीन प्यार पे फिर रोया दिल नादान। तो यूके से ज्ञान शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। ज्ञान जी, स्वागत है आपका एबी न्यूज पर। हाँ नमस्कार, मैं सभी एबी न्यूज दर्शकों का स्वागत करता हूँ और साथ ही धन्यवाद देता हूँ रश्मि जी का, उन्होंने मुझको इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। ओके, सो ज्ञान जी, आपका वीडियो देखा हमने, बहुत ही खूबसूरत गा रहे थे आप उसमें, तो आज आप क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? थैंक यू वेरी मच। मैं एक गजल सुनाऊंगा एक्चुअल में, वो मोहम्मद रफी साहब की गजल है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करारा नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कोई पत्थर नहीं इंसान, बेखुदी में भी करारा
सब थे कारवा के साथ साथ, कल तो सब थे कारवा के साथ साथ, आज कोई राह दिखलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी कराता नहीं। जिंदगी के आईने को तो बता दूं कि रश्मि जी भी हमारे साथ जुड़ी है, तो उनसे भी जानते हैं कि कैसा लगा उनको ये गाना। रश्मि जी, ज्ञान भाई बहुत ही सुंदर आपने गाया। मैं एक चीज सबको बता दूं कि ज्ञान भाई ने अपना एक एल्बम भी रिलीज कर दिया है और बहुत ही पॉपुलर हुआ है वो एल्बम और हो रहा है। रेतों का घर उस एल्बम का टाइटल है। और ज्ञान जी अपनी एक मुकाम बना रहे हैं यहाँ लंदन के सर्कल में एज अ गजल सिंगर, और ये एक आईटी कंसल्टेंट हैं। और इनकी एक और खूबी है जो मैं छोड़ नहीं सकती बताना, क्योंकि इनको बहुत शौक है एस्ट्रोलॉजी में, और ये एक चलाते हैं एस्ट्रोलिस्ट .com जिसमें ये सबको ज्ञान देते हैं अबाउट वैदिक साइंस। सबको ज्ञान देते हैं, नाम भी ज्ञान है। तो ज्ञान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना खूबसूरत गजल सुनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ श्रद्धा जुड़ेंगी, तो उनसे बातें करेंगे, पर पहले उनका वीडियो देखते हैं। चेक इट आउट।
श्रद्धा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। वेलकम श्रद्धा, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, आई एम वेरी गुड, हाउ अबाउट यू? आई एम ऑल्सो वेरी गुड। वैसे हमारे साथ रश्मि जी भी जुड़ी हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं। रश्मि जी, श्रद्धा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रद्धा, वेलकम टू द शो। हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप जैसे फनकारा हमारे इस शो में आ रही हैं और इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन से कनेक्ट हो रही हैं। आप लोग को बता दूं कि कोविड लॉकडाउन में श्रद्धा जी एक दो कॉम्पिटिशन्स जीत चुकी हैं यहाँ ऑनलाइन। और श्रद्धा, अपने बारे में और कुछ बताओ, क्या करते हो ज्यादा? इससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बोलूं, आई थिंक इट इज रियली वर्थ कि मैं रश्मि जी और इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन को थैंक यू बोलूं एंड एबी न्यूज को भी थैंक यू बोलूं कि उन सब ने हमको ये सब अपॉर्चुनिटी दी है। हम सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस लॉकडाउन में, अगर कुछ डोर्स हमारे लिए बंद हुए हैं तो बहुत सारे ओपन भी हुए हैं। और रश्मि जी और टीम ने ये जो हमारे लिए किया है, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। सो इस लॉकडाउन में एक्चुअली बेटर है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड करें, और हम सब पार्टिसिपेंट ने शायद यही किया है। तो सबके लिए मेरा मैसेज यही होगा कि चीजों को पॉजिटिव लेना शुरू करें। ओके, सो श्रद्धा जी, आज आप क्या सुनाना चाहती हैं? जी, मैंने ये एक गाना तैयार किया है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। और ये गाना जो है वो एक्चुअली लता मंगेशकर जी एंड AR रहमान जी ने गाया हुआ है। मैं इसका अपना वर्जन एक पेश करने वाली हूँ एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। शैल आई स्टार्ट? ऑफ कोर्स। Thank you.
अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत गाया आपने, बेहद सुंदर था ये आपका गाना। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया श्रद्धा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना खूबसूरत गाना सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड सुमन जी, आई हैव अ मैसेज फॉर यू। हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हैं आप मैसेज। सुमन, हम आपके साथ इतने समय से जुड़े हुए हैं और हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सबको आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू, तो थैंक यू सो मच श्रद्धा हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ सुशीर कुमरा जुड़ेंगे यूके से, तो पहले उनका वीडियो देखते हैं उसके बाद उनसे बातें करेंगे। सुधीर कुमरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। सुधीर जी, वेलकम ऑन दिस शो, कैसे हैं आप? तो हमारे साथ रश्मि जी भी जुड़ी हैं। रश्मि जी, हमारे साथ सुधीर जी जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? सुधीर कुमरा जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस एंटरटेनमेंट, फैंटास्टिक सिंगर। और मुझे मुझे लगता है कि आईटी में काम करते करते आदमी कोई कुछ संगीतमय हो जाता है, क्योंकि सुधीर कुमरा जी हमारे साथ थोड़े दिन से जुड़े हुए हैं, ये हमारे प्रोग्राम में गाना गाए जो कि मुझे इतना अच्छा लगा। और एक शाम आपके नाम प्रोग्राम था और मैंने कहा आपको ज़रूर आना है इसमें। तो एक शाम आपके नाम था वो प्रोग्राम, तो आज क्या सुनाएंगे सुधीर जी हमारे दर्शकों को आप? मैं एक मूवी अजनबी से किशोर कुमार जी का गाना सुनाता हूँ, उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। बिल्कुल सुनाइए। निकल आया घटा से चार।
हसीना से खूबसूरत था सुधीर जी आपका ये गाना। रश्मि जी आपको कैसा लगा ये गाना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें ये गाने के शब्द ही बहुत अच्छे हैं और सुधीर जी की आवाज में और भी सुंदर लग हो गया। सुधीर कुमरा जी बहुत ही प्यारे इंसान हैं और हमें बहुत खुशी है कि इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन से वो जुड़े और हमारे यहाँ की शोभा बढ़ाई। तो सुधीर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना खूबसूरत गाना सुनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ मौसमी गुहा जुड़ेंगी, तो उनसे बातें करेंगे, पहले उनका वीडियो देखते हैं। बार बार चली रुकी रुकी
मौसमी गुहा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे बातें करते हैं। मौसमी, वेलकम ऑन द शो, कैसी हैं आप? नमस्ते नमस्ते सुमन जी। ओके, सो मौसमी का मतलब क्या है? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जी ये इसका मतलब है मौसम, या मौसम, वेदर। ओके, रश्मि जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। रश्मि जी आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा बहुत मेरे पास फीडबैक आ रहा है थोड़ा सा। मौसमी सच में मौसम का बहार है, बन के आई है इस प्रोग्राम में। और ये नेदरलैंड्स में रहती हैं, प्रोफेशनल सिंगर हैं और बहुत बढ़िया स्टेज परफॉर्मेंसेस करती हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं और कई देशों में प्रोग्राम कर चुकी हैं। और इनके कई गाने हमने सुने यूट्यूब में, इनके कई वीडियोज हैं और मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये इंस्पायरिंग इंडियन विमेन और एबी न्यूज के इस कोलैबोरेशन में हमारे साथ आई। तो मौसमी जी आज आप क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? थैंक यू शुक्रिया बहुत बहुत। जी मैं बहुत ही मैं तो बहुत बहुत गजल प्रेफर करती हूँ सिंगिंग। और मैं थोड़ा सा एक थोड़ी सी गजल से शुरू करना चाहूंगी। बिल्कुल। और मैं जगजीत सिंह जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैं दो पंक्तियाँ, मैं दो लाइंस गाऊंगी और उसके बाद मैं एक ट्रैक के साथ मैं गाना चाहूंगी। ओके। मैं ज्यादा बोल नहीं सकती तो गाने में ही चली जाती हूँ। हर देते हैं वो जलवदर मुझे, हर सू दिखाई देते हैं वो जलवदर खूबसूरत, वाकई मंत्रमुग्ध करने वाला गाना था। एक बहुत अच्छा गाना लता जी का और मुकेश जी का गाया हुआ, वो गाना मैं पेश करना चाहूंगी और मैं बहुत ही कोशिश करूंगी गाने की। और ये ट्रैक है मेरे साथ, मैं ट्रैक के साथ गाऊंगी। और यहाँ बड़े बड़े बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे फनकार हैं इस ग्रुप में, मैंने देखा है और बहुत एंजॉय कर रही थी मैं उनकी म्यूजिक, तो मैं भी कोशिश करूंगी। ये मेरा छोटा सा एक ट्राई है।
बहुत ही खूबसूरत गाया आपने, वाकई आई लव इट। तो बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना खूबसूरत गाना सुनाने के लिए। रश्मि जी आपको कैसा लगा मौसमी जी का ये गाना? हाँ, बहुत खूबसूरत गाना था, बहुत ही बढ़िया। और थैंक यू सो मच आपको मौसमी, आपने यहाँ पे आके प्रोग्राम को चार चांद लगाई। और मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी बहुत बहुत धन्यवाद, सारे एबी न्यूज के दर्शकों को बहुत ही अच्छा लगा हमें इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन की तरफ से आप सब की तरफ पहुंचना, आप सबको अपने फैमिली में सम्मिलित करना और आप सबके मन में थोड़ा सा जगह बनाना। और इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन का यही काम है कि और ढेरों ढेरों अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेटफॉर्म लेके सबके सामने आए और सबको अपने अपना एक स्थान और एक मुकाम बनाने का मौका दें। और मुझे ये बताकर बहुत ही खेद और दुख लग रहा है कि ये हमारा लास्ट एपिसोड था दुनिया के फनकार का, और हम आप सब दर्शकों को बहुत मिस करेंगे, और स्पेशली आप सुमन जी और हमारे बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट यहाँ पे बेसब्री से इंतजार करेंगे एक दोबारा एबी न्यूज के साथ समागम बनाने का। तो बिल्कुल, तो ये लास्ट एपिसोड है आज के शो, आज का ये जो शो है ये लास्ट एपिसोड है इसका। तो मौसमी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो मौसमी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। और रश्मि जी आपको भी बहुत बहुत नमस्ते, सुमन जी, रश्मि जी। तो अभी के लिए बस दुनिया के फनकार में इतना ही, दे इजाजत, नमस्कार।